जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले आपको बता दें कि यह एक बहुत ही बड़ा झूठ फैला हुआ है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं और इन सभी देवी देवताओं के नाम और स्वरूप अलग अलग हैं। बातचीत के दौरान भी हम कई बार यह बोलते हैं कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। दरअसल 33 करोड़ देवी देवताओं की बात सिर्फ एक कोरी कल्पना है। ऐसा सिर्फ शब्दों के गलत अर्थ निकालने के कारण हुआ है। वास्तव में एक शब्द के दो अर्थ होने के कारण यह भ्रम फैला हुआ है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। दरअसल आपको बता दें कि शास्त्रों ने इसके बारे में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ नहीं बल्कि 33 कोटि देवी देवता हैं। यहाँ पर लिखे कोटि शब्द का अर्थ प्रकार होता है, यानी कि हिंदू धर्म में 33 प्रकार के देवी देवता बताए गए हैं, लेकिन कोटि शब्द का एक अर्थ करोड़ होने के कारण व्याख्या करने वालों ने इसका गलत अर्थ निकाल कर कोटि शब्द को करोड़ में बदल दिया, जिससे 33 कोटि को 33 करोड़ का आंकड़ा बता दिया गया और यह मान्यता प्रचलित हो गई कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। अब हम जान लेते हैं कि हिंदू धर्म में 33 प्रकार के देवी देवता कौन कौन से हैं। तो आपको बता दें कि इन 33 कोटि देवी देवताओं में 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और इसके अलावा इंद्र और प्रजापति शामिल है। कुछ शास्त्रों में इंद्र और प्रजापति के स्थान पर दो अश्विनी कुमारों को 33 कोटि देवी देवताओं में शामिल किया गया है। इन 33 कोटि देवी देवताओं में 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य है, जिनके नाम इस प्रकार है। अष्ट वसुओं के नाम आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास है। 11 रुद्रों के नाम मनु, मन्यु, शिव, महत, ऋतुध्वज, महीनस, उम्रतेरस, काल, वामदेव, भव और ध्रोतध्वज है। 12 आदित्यों के नाम अंशुमन, आर्यमन, इंद्र, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूषा, भग, मित्र, वरुण, वेवस्वत और विष्णु है। इसके अलावा इंद्र और प्रजापति शामिल है। कुछ शास्त्रों में इंद्र और प्रजापति के स्थान पर दो अश्विनी कुमारों को 33 कोटि देवी देवताओं में शामिल किया गया है। उम्मीद है दोस्तों अब आप जान गए होंगे कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ नहीं बल्कि 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवता हैं। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।